सनातन धर्म की मान्यताओं परंपराओं के साथ छेड़छाड़। आखिर क्यों, आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस थंबनेल देख के आपको पता चलेगा कि हम किस विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष फिल्म के ट्रीजर के बारे में। जी हाँ गाइस, आदि फिल्म के ट्रीजर बहुत ही जल्दी लॉन्च हुआ है, आई होप आपने देख ही लिया होगा। तो गाइस हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज आदि फिल्म का ट्रीजर लॉन्च होते ही एक अलग ही ट्रेंड बन गया है बाइकॉट का। भाई साहब बाइकॉट के लिस्ट में ना ये भी शामिल हो गया है, तो भाई अच्छी बात है। और ऐसा हम करते हैं कि इस फिल्म को बाइकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म के साथ मजाक हुआ है। क्योंकि इतना ही मतलब कि वाहियात हुआ है ना भाई साहब, कि यूँ माने तो एक मजाक ही बोले, हमारे सांस्कृतिक संप्रदाय के साथ मजाक हो रहा है। क्योंकि रामायण महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है गाइस, तो धार्मिक ग्रंथ के साथ खिलवाड़ करने का कोई अनुमति नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस बात को हम भी सपोर्ट करते हैं और बाइकॉट होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो आइए सुनते हैं कि इसके बारे में रामायण के ओरिजिनल जो कि राम बने हुए थे अरुण गोविल जी, वो क्या कहते हैं गाइस। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए और न ही किसी और को करने देना चाहिए। सनातन धर्म की मान्यताओं परंपराओं के साथ छेड़छाड़, आखिर क्यों, आखिर किसने अधिकार दे दिया तो कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावना को ठेस पहुंचाए। ये कह दिया कि खिलवाड़ करने की कोई किसी ने अनुमति नहीं दी है और ये एक हिंदू धर्म के आस्था के प्रति एक चोट मारा गया है। तो गाइज हम इस फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे और बाइकॉट करना है हमें इसे। फिल्म के निर्देशक ओम राउत जी और मनोज मुंसर जी को हम ये कहना चाहेंगे, अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है तो, कि भाई साहब ऐसा मजाक न करिए, ठीक है। ये एक हिंदू सनातनी धर्म का एक बहुत ही मान्य रखता है, जो कि रामायण महाभारत बहुत ही हमारा संस्कृत को दर्शाता है, बहुत ही प्रिय है हमारे लिए, हमारे हिंदुओं के लिए। तो गाइस आप ऐसे धार्मिक चीज़ों के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है, ना करिए, ना बनाइए, ठीक है। पैसे यूँ नहीं कि यहाँ पैसे कमाने के चक्कर में आप कुछ भी बना देंगे और हम देख लेंगे। भाई साहब यही काम किसी और धर्म के साथ करके देखिए ना, जो नहीं होगा वो हो जाएगा, आप ही करके देखिए। तो ऐसा मत करिए, हमारे सांस्कृतिक धर्म के साथ, हमारे सांस्कृतिक धरोहर के साथ मजाक मत करिए, ठीक है। ट्रेंड को हम सब मिलके बढ़ाते हैं आगे और इस फिल्म को हमें बाइकॉट करना है, क्योंकि आदि पुरुष एक बहुत ही घटिया है। उसमें भाई साहब हमने हनुमान जी को देखा, ठीक है, हनुमान जी को एक इतना बुरी तरह से पेश किया गया ना भाई, लग ही नहीं रहा कि हनुमान जी हैं वो। और दूसरी तरफ रावण को भाई तो अलाउद्दीन खिलजी बना दिया इन्होंने, यूँ लग रहा है वो रावण नहीं अलाउद्दीन खिलजी। भाई साहब रावण का पुष्पक विमान था, ठीक है, रावण किसी चमगादड़ पे नहीं उड़ता था, उसका पुष्पक विमान था। और रावण जैसे महाज्ञानी और पंडित को आपने अलाउद्दीन खिलजी बना दिया, भाई साहब बताओ हद होती है भाई हर एक किरदार को। भाई उसी को थोड़ा अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए होते। अभी हाल ही में मूवी आई है RR, भाई साहब कम से कम उससे तो देख के सीखना चाहिए। चलिए उससे नहीं देख के सीखे कोई बात नहीं, आप रामायण तो देखे होंगे ना, महाभारत देखे होंगे ना, पूरी दुनिया संसार में जो भी होता है या होने वाला है सब कुछ दर्शाया गया है महाभारत में, ठीक है, गीता में। गीता पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा, थोड़ी बुद्धि आ जाएगी। सो गाइज ये है। और भाई साहब एक भाई ने इसके खिलाफ याचिका भी दायर कर दी है कि इसको बाइकॉट करेंगे, इसको बैन करना चाहिए। तो भाई हम सपोर्ट करते हैं, इस फिल्म को बैन करना चाहिए भाई साहब, हम चलने नहीं देंगे, ऐसा मजाक हम होने नहीं देंगे, ये फिल्म बैन होनी चाहिए। और इस पर हमारे आदरणीय बड़े भैया मनीष कश्यप जी, प्रणाम करते हैं उनको, जिन्होंने भी इस बाइकॉट के ट्रेंड में अपना कदम आगे बढ़ाया है। तो भाई सपोर्ट करते हैं ऐसे भाई को कि मनीष कश्यप भाई हमारे इस बाइकॉट ट्रेंड में आगे आए हैं। तो भाई साहब हम यूपी बिहार सब मिल के इस फिल्म को बाइकॉट करेंगे, चलने नहीं देंगे गाइज। तो गाइज इसी के साथ करते हैं अपने बातों को एंड और हमारी बातों को अपने मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए कि इस फिल्म को बाइकॉट किया जाए और हो सके तो इसे आगे तक पहुंचाने की कोशिश करिए, कि भाई साहब सभी को ये समझ आ जाए कि हाँ ये हमारे सांस्कृतिक धर्म हिंदू धर्म के खिलाफ, एक सनातनी के खिलाफ एक अलग ही वो खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना करे कोई, और ऐसा मजाक भाई हम चलने नहीं देंगे।